हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं शिवेंद्र सरकार और आप सभी का स्वागत है रिदम लेसन पर। दोस्तों, कई बार आपने गजलों में लग्गी बजाने की खूब सारी कोशिश की होगी। आज मैं आपको एक छोटा सा ऐसा लग्गी बताऊंगा जो कि गजलों में, भजनों में, किसी भी चीज़ में है जिसमें लग्गी बज सकता है, उसमें आप बजा सकते हैं और बहुत ही ईजिएस्ट वे पर आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लग्गी भी बहुत धासु है और अगर आप इसको बजाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके बोल कुछ इस तरीके से है, एक्सेंट कुछ इस तरीके से है। बड़ा अच्छा लगता है ये लग्गी जब बजता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। तिहाई थोड़ी सी अलग लग गई है, लेकिन लग्गी की भी तिहाई जो है वो मैं आपको बता दूंगा इसमें। तो आइए इसको समझते हैं, देखते हैं इसके बोल क्या क्या बजे हैं और इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसका बोल क्या है, बोल के हिसाब से फिर आपको हैंड मॉड्यूलेशन भी बताया जाएगा। तो देखिए, धाते टे धेते टे घेना, देन धाती धाती घेना धाती घेना, और उसके बाद ताते टे ते ते टे घेना ताती घेना ताती के ताती घेना ताती घेना। तो दादे टे 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 के ना दादी के ना दादी के ना दादे टे 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 के ना दादी के ना दादी के ना, इस तरीके से ये बज रहा है। तो धा कैसे करके है, ता के साथ गे को हल्का स्लाइड करना है, म्यूट कर देना है। धा ते टे है ना, धा ते टे टेटे, यहाँ पे उल्टा बज रहा है। ध्यान में रखने वाली बात यह है, टेटे उल्टा ना बजाइएगा, टेटे उल्टा बजाना है। धा ते टे, और टे के साथ एक छोटा सा गे भी है, यहाँ पे टे सिंगल नहीं है, टे के साथ छोटा सा एक गे भी है। धा ते टे धे ते टे, अब देखिए धे इस तरीके से यहाँ पे ओपन गे बज रहा है, धे देन ते टे। अब यहाँ पे टेटे उल्टा बज गया, जैसे धे देन ते टे है ना। तो धा ते टे धे ते टे गेना गेना गेना, किस तरीके से ये गे ये ना, तो इस तरीके से ये बज रहा है। धा ते टे धे ते टे गेना, और उसके बाद क्या है, धाती गेना धाती गेना। ये बोल आप इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, बाद में मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस करने लायक इस लग्गी में क्या क्या बोल है, उनका प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत जल्दी ये लग्गी बच जाएगा। अभी आप सिर्फ हैंड मॉड्यूलेशंस देख लीजिए, बाद में आप प्रैक्टिस करने लायक जो इस बोल के लिए जो बोल प्रैक्टिस करना होता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो कैसे देखिए, धाते टे धेते टे गे ना धाती गे ना धाती गे ना है ना, और फिर क्या है, ताते टे 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 गे ना ताती गे ना ताती गे ना, ता ते टे ते ते टे के ना देन ता ती के ना ता ती के ना। अब जहां पे के आ रहा है वहां पे आप टोका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा लगता है ना, इस तरीके से। तो देखिए, जो इसमें प्रैक्टिस का बोल है वो कुछ इस तरीके से है, धाते टे धेते टे घेना। सबसे पहले इतना ही फ्रेज ले लीजिए, सिर्फ धाते टे धेते टे घेना, इतना ही बजाना है कंटिन्यूअसली। आप एक चीज गौर कीजिएगा, धा हमेशा म्यूट में आ रहा है इस बोल में, ठीक है। इस तरीके से धा टे धे टे गेना बजाना है, और फिर धाती गेना धाती गेना धाती गेना धाती गेना, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट बोल है इस बोल के लिए, इस पैटर्न के लिए। तो धाती गेना जरूर बजाए, धाती गेना का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। देखिए किस तरीके से, धा रिवर्स में है, ती देन गे फिर से रिवर्स में है, और फिर ना, तो धाती गेना धाती गेना धाती गेना धाती गेना, इस तरीके से बजाना है।
आप चाहे तो दोनों फिंगर का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं, धाती गे ना धाती गे ना धाती गे ना धाती गे ना। जब कोई भी पैटर्न स्पीड में बजने लगता है इस तरीके से, तो आप उसमें उंगलियों का अलग अलग इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ इस तरीके से, धाती धाती गे ना धाती गे ना धाती गे ना धाती गे ना धाती गे ना, इस तरीके से। उसी तरीके से ताती के ना ताती के ना ताती के ना, देखिए ता ती के ना ताती 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 के ना, है ना। तो ये मोस्ट प्रैक्टिस के बोल हैं जो इस लगी के लिए आपको करना जरूरी है। इसका छोटा सा एक तिहाई किस तरीके से बजा, देखिए बस इसी चीज को तीन बार बजा देना है। और जो धाती के ना धा आएगा वो सम का धा आएगा, ठीक है। और जो ता भी मैं बजा रहा हूं थोड़ा सा लाउड है, कैसे, ता के साथ का भी आप जोड़ सकते हैं तो थोड़ा सा वो लाउड सुनाई देगा। इस तरीके से आप इसको बजा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो यही तक, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो फिर से एक बार कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरीके के नोटिफिकेशन वीडियो आपके पास आते रहें। आज के वीडियो यही तक, बहुत बहुत धन्यवाद।